Hi everyone, how are you? So today I'm going to discuss few tricks as well as a few examples of quadratic equations. I'll be giving you the ideas and a few tricks how you can make it very easy to solve a quadratic equation. First of all, before we start with the quadratic equation, you should know the meaning of quadratic equation. What is the standard form of it? तो कोई भी काम हमने अगर शुरू करना है तो उसकी पहले आपको define तो पता हो कि ये होता क्या है, हम क्यों use करते हैं quadratic equation, ऐसा क्या चीज़ है quadratic equation में जो हमने solve करनी है, कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमने solve करनी है, क्या दिमाग में रखना है quadratic equation को solve करने के लिए. तो let's start with few things of quadratic equation. पहले तो quadratic equation वो equation होती है जिसमें एक term हमेशा square में हो. As soon as you see there is a square number in any equation, that means that is a quadratic equation. Example, like if you see x square minus 16, is this a quadratic equation? Yes, of course it's a quadratic equation. Why? Because there is a square number. Square matlab jiski power 2 ho, jisme power 2 hai, that is a quadratic equation. अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. यू माइट हैव सीन इट इन योर एट्थ स्टैंडर्ड. एट्थ स्टैंडर्ड्स में भी आप बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स कर चुके हो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बस इतना सा लिख दिया, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना, क्या हमें इसमें ऐसा क्या है जो हमने सॉल्व करना है. इक्वेशन लिख दी, सॉल्व करो. तो बहुत सारे कुछ बच्चे होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते कि सॉल्व करना क्या है क्या. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर होगा. तो स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक्स की हमारे पास हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, दो आंसर आएंगे. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यूज हमेशा दो आएंगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की दो आंसर होते हैं. दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन टू इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको बोल दिया कि एक नंबर दे दिया, एक्स की वैल्यूज दे दी, आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला नंबर, एक्स वाला नंबर एंड अ कांस्टेंट नंबर. ये तीन नंबर्स हमारे पास होने चाहिए टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर लिखा है यहाँ पे? नहीं. दैट मीन्स अब हम आपने इसमें वर्ड सुनोगे कॉफिशियंट. कॉफिशियंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसके साथ वन मल्टीप्लाई है. क्यों? क्योंकि वन के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, दैट रिमेन्स द सेम. तो एक्स स्क्वायर के साथ वन है, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन. एंड हमारे पास एक्स का कॉफिशियंट माइनस टू है, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस टू. अब ये इसको क्यों नहीं सर्कल किया मैंने साथ में, ये माइनस टू क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस. तो यहाँ पे प्लस है, ये इसके साथ इक्वेट करता हूँ मैं अगर, तो ये बी की वैल्यू इसके साथ इक्वेट होगी. प्लस तो ये हो गया और बी की वैल्यू ये होगी, प्लस को मैंने छेड़ा ही नहीं, ठीक है. तो इसलिए हमें माइनस साइन लेना होता है. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सी. सी कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जो हमेशा सेम रहने वाला, डेट इज सी. तो ये अगर तो नेगेटिव साइन होता तो मैं साथ में नेगेटिव लिखता जरूर. अब नेगेटिव नहीं है तो आई विल नॉट राइट द नेगेटिव नंबर विद इट, सिंपल पॉजिटिव 3. तो ये इस फॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब ये तो स्टैंडर्ड है, तो ये कौन सी फॉर्म है फिर? ये तो मैंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको लिखना कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जस्ट आई शो यू. एक्स स्क्वायर ए के साथ वन,
माइनस बी वाली टर्म है, बी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी वाली टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, बी एक्स की जगह पे ज़ीरो एक्स, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। सी की जगह पे मेरे पास क्या है, माइनस 16, तो आई हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो चेक वेदर दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला वी हैव टू यूज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एवरीबडी शुड नो दिस फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फार्मूला होता क्या है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे मेरे पास है 3x, b की जगह पे मेरे पास है 1। इस केस में मैं माइनस साइन इसके साथ नहीं लूँगा, क्यों, बिकॉज ये कंपैरिजन ऑलरेडी माइनस का हमारे पास गिवन है। तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1, माइनस इज एट इट्स प्लेस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर डैट इज 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, 5x, 5 इंटू 3, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, तो 5x, 5 3 जा 15। नाउ 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 इक्वल्स टू 5x प्लस 15। नाउ वी हैव टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमें कुछ नज़र आना शुरू हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर की टर्म भी है हमारे पास, एक्स वाली टर्म भी है और कॉन्स्टेंट टर्म्स भी हैं। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, एक्स वाली ये प्लस 5 है, तो इक्वल्स टू के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा, प्लस वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस। अब प्लस 1, ये 1 कहाँ से आया, जो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो प्लस 1, ये 15 राइट हैंड साइड है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसको इधर लेके आऊँगा तो इट विल बिकम माइनस, एंड देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कुछ बचा, अब ये 5 भी इधर आ गया, 15 भी इधर आ गया, तो राइट हैंड साइड क्या बचा, 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म्स वालों को प्लस माइनस कर देंगे। अब ये माइनस 6 माइनस 5, माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, 6 प्लस 5 11, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो ये आपने साइंस का जो है मेथड 6 स्टैंडर्ड से सीखना शुरू कर दिया था कि क्यों आएगा साइन माइनस का। 6 रुपये मेरी जेब से गए, 5 गए, टोटल गए कितने मेरी जेब से, 11, तो जाने का निशान क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 1 रुपया मेरी जेब में आया, 15 मेरी जेब से गए, तो टोटल कितने चले गए मेरी जेब से, 14, तो साइन क्या है, माइनस का, डैट इज़ जाने का निशान मैंने लगा दिया, माइनस 14। अब ये इक्वेशन आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह नज़र आ रही है, इज इट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, नहीं नहीं प्लस नहीं है यहाँ पे, तो माइनस है, बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी ऑलवेज राइट एज प्लस, क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू माइनस 11 हो जाएगी और सी की वैल्यू माइनस 14 हो जाएगी, बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी ऑलवेज राइट इट एज प्लस साइन, दैट्स वाई वी ऑलवेज राइट द साइन विद द बी एज वेल एज विद सी। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लिया वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आई होप सबको ये समझ आ गई होगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
of quadratic equation, we again have to check whether this is a quadratic equation or not. तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है टू शो दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए व्हाट डू वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो भी ब्रैकेट्स गिवन हो. तो हमारे पास जो ब्रैकेट वाली टर्म है राइट साइड पे है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है. तो 3 को हम करेंगे 7 के साथ एंड देन 3 विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2. 3 7 जा 21. अब ये साइन कहाँ जाएगा, माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस. अब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 जा 6x. नाउ वी हैव 5x स्क्वायर माइनस 8x, प्लस का 6x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 6x, माइनस 21 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 21. नाउ जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर जो है माइनस माइनस हो गया, प्लस 8 प्लस 6 14. तो इजंट इट लुकिंग लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, विच दिस इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट मीन्स वी हैव गॉट इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले ना मैं एक दो एग्जांपल और करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि एक्स, उन्होंने चेक वेदर एक्स इज इक्वल्स टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट. इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, कि ये इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू 5 फिल करता हूँ तो इज इट करेक्ट और नॉट. तो सिंपल सी बात है कि मैं अपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, वैल्यू फिल करूँगा. ये बड़े इजी से समय है, आपने ना ऑलरेडी 8th क्लास में भी किए थे, तो जस्ट ब्रश अप, आप जो रिव्यू है वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि रिवीजन हो जाएगी. वैसे ऐसे सम्स भी हैं आपकी 10th की बुक में, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल कि है बहुत ईजी सम्स, लेकिन आप एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको. एक्स स्क्वेयर डैट इज एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो एक्स की जगह पे 5, इस एक्स की जगह पे 5, माइनस अपनी जगह 2 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह 15 अपनी जगह, किसी को कुछ नहीं किया सिवाय एक्स की वैल्यू के. तो 5 स्क्वेयर 25, 5 टू जा 10, माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो जो चेक करने के लिए बोला था कि x की वैल्यू अगर हम 5 लें इज इट अ सॉल्यूशन और नॉट, यस इट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. x इज इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम कि x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ये गिवन है कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने चेक नहीं करना इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेना, हमने इसमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है. तो x की वैल्यूज गिवन है दोनों की, वो हम फिल कर देंगे और m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो लेट्स डू इट. इसमें हमारे पास x की जगह पे अंडर रूट 2/3 वैल्यू गिवन है. अब इस केस में हमारे पास जो है वैल्यूज, अब किसी भी स्केयर और स्केयर रूट कट हो जाता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, 8th में भी सीखा था. ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, मैं स्प्लिट कर दूंगा अंडर रूट की वैल्यूज़ को. प्लस 2, अब ये 3 और 3 कट हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 4,
तो यहां से मैं जो है m की वैल्यू वो फाइंड कर लूंगा। तो यहां से इक्वेशन की वैल्यू जो m की है, यहां से मैं देखता हूं, अगर उसको ऊपर हम यहां पे लिखते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू माइनस फोर, प्लस फोर था राइट हैंड साइड जाके माइनस फोर हो गया। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट वाली वैल्यू होती है तो वी ऑलवेज ट्राई टू रिमूव इट बाय रैशनलाइजेशन, तो उसको हम रैशनलाइजेशन से रिमूव कर सकते हैं कि अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू ज़ा सिक्स, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होकर आ गया टू, टू टू ज़ा फोर, वी हैव आंसर एस माइनस टू अंडर रूट सिक्स विच इज द वैल्यू ऑफ m। तो m की हमारी वैल्यू जो है वो आ गई माइनस टू अंडर रूट सिक्स। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको सारी समझ आ रही होंगी। हाँ बेटा, जो मैं बात कर रहा था नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। नेचर ऑफ फ्रूट्स, सबसे पहले नेचर तो आपको पता है कि भी ये है क्या चीज, मतलब रूट्स की नेचर कैसी है। हम बोलते हैं ना नेचर ऑफ अ मटेरियल, फिजिक्स में बहुत बार पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नेचर मतलब रूट्स हैं तो कैसे हैं। अब पहली तो बात, आपको रूट्स का मतलब पता होना चाहिए। रूट्स होता क्या है, रूट्स क्या है, नथिंग, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, एक्स की हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने शुरू में बात की थी, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं दो, वैल्यूज़ हमेशा आती है दो वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ या तो वो इक्वल होंगी या वो होंगी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है, डैट इज़ अनइक्वल वैल्यूज़, दोनों की अनइक्वल वैल्यूज़ हो सकती हैं, दो अलग अलग आंसर होंगे एक्स के। रूट्स कुछ नहीं है, रूट्स होता है एक्स की दो वैल्यू होना, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, एंड नो रियल रूट्स। अब ये जो वर्ड है नो रियल रूट्स, इसका मतलब होता है कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पा रहे, जो कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है, जो हमारा अंडर रूट में आंसर आता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू जीरो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में मेरे पास दो रूट्स हैं, दो रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू दो आएंगी। क्यों आएंगी दो, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, टू है, तो हमेशा दो एक्स के आंसर दो ही आने। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, एक ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो अब इसमें एक्स की दो वैल्यूज आई, दो फैक्टर बन गए, ये भी इक्वल्स टू जीरो हो सकता है और ये भी इक्वल्स टू जीरो, तो दो आंसर हमारे पास एक्स के आ जाएंगे। एक तो एक्स आ गया माइनस फोर, दूसरा एक्स हमारे पास आ गया प्लस फोर। तो इज इट डिस्टिंक्ट रूट और इक्वल रूट्स, दे आर डिस्टिंक्ट रूट्स, दिखने में फोर ही है बट दे आर नॉट इक्वल। वाई, बिकॉज इट्स माइनस फोर, द अदर वन इज प्लस फोर। तो प्लस फोर एंड माइनस फोर, टू अनइक्वल रूट्स दो से कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मेरे पास नंबर्स हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो मल्टीप्लाई करके दोनों का फोर है, तो फोर के दो फैक्टर्स, टू टू ज़ा फोर होता है और टू प्लस टू फोर होता है, तो मैंने फोर एक्स को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, टू प्लस टू लिख दिया इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों में से जो है मेरा कॉमन x, x प्लस टू, इन दोनों में से कॉमन है टू, तो x प्लस टू, तो मेरे पास दो टर्म्स आई जो कि दोनों की दोनों सेम है, इक्वल्स टू टू, इधर x प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू माइनस टू और x की वैल्यू माइनस टू, तो इजेंट इट इक्वल। तो ये मेरे पास है
टू इक्वल रूट्स की एक एग्जांपल जिसमें दोनों एक्स की वैल्यूज इक्वल आएंगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है, हमने देख लिया इक्वल रूट्स की एग्जांपल को। बेटा अब आपने यही ध्यान रखना है कि इक्वल रूट्स जो हैं कैसे आएंगे हमारे पास, जो हैं मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अब ये जो है इक्वल रूट्स, नो रूट्स, इसमें ना एक चीज़ होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं फार्मूलाज में। जब हमको बोल दिया जाता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला, तो उसके लिए हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम हमेशा डी लिखते हैं। जब होते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अनइक्वल, एक्स की वैल्यू दोनों अनइक्वल हों, तो हमेशा डी की वैल्यू जो होती है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड फॉर इक्वल रूट्स डी की वैल्यू हमेशा होती है इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड फॉर नो रियल रूट्स डी की वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, तो डैट इज़ अ नो रियल रूट की वैल्यू जो है वो एक्स की नेगेटिव आ रही है, उसमें लेस देन ज़ीरो है। अब हमारे पास डी ग्रेटर देन ज़ीरो अन इक्वल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको बहुत सारी इक्वेशंस कईयों में दिया होगा कि दे हैव इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक ऐसी हम एग्जांपल देखते हैं। पहले हम डी फाइंड कैसे करना है, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं पहले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि इसमें अगर हमने चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, तो हमने ये नहीं देखना कि पहले हम वैल्यूज़ फाइंड करें एक्स की कि वो दोनों इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, अगर सिर्फ नेचर पूछा गया है आपको, अगर बोला गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपने फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। जब सिर्फ नेचर पूछा गया है तो हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तब पहले मैंने सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन समझाया था बताने के लिए कि हम एक्स की वैल्यूज़ को हम रूट्स बोलते हैं, तो रूट्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमने चेक करना है कि एक्स की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी कि नहीं आएंगी बिना सॉल्व किए, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बस हमने चेक करना है कि एक्स की वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट वो होती है हमारी ए की वैल्यू, बी एक्स का कॉफिशियंट -13, सी कांस्टेंट नंबर विच इज +4, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा अगर एक्स की वैल्यूज़ दोनों अनइक्वल हैं। डी की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आई अगर, तो हमारे इक्वल रूट्स हैं। तो डी का जो फॉर्मूला है वो होता है बी स्क्वेयर -4ac। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टू चेक द नेचर ऑफ रूट्स। अब बी की जगह पे -13 उसका स्क्वेयर कर देना, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। 13 का स्क्वेयर यू शुड नो इट, माइनस का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, 169, 4 4 16, एंड द आंसर विच वी हैव 9 -6 3, 6 -1 5, 153। तो डी की वैल्यू जो है 153 ए पॉजिटिव नंबर है। अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो इज इट ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल्स टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो नेचर कौन सा है फिर, द फर्स्ट वन इज़ आवर आंसर। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, कि एक्स की वैल्यूज जो भी आएंगी दोनों अनइक्वल आएंगी, इक्वल नहीं आएगा आंसर। तो ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर ली टू चेक द नेचर ऑफ रूट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल इन विच वी आर गोइंग टू चेक द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन आएगा टेल द नेचर ऑफ रूट्स और चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसका मालिक कौन है, ए का है, विच इज़
1 and b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, c की वैल्यू माइनस 9. एंड नाउ वी हैव ए बी सी वैल्यूज डी बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 अंडर रूट 1. 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस माइनस प्लस, 4 9 36, 4 3 12, 12. Now we have the value of D 48, which is greater than 0. Again we got the first answer, which is the equation. This equation has two distinct roots. तो हमें nature of roots इसके पता चल गए that it has two distinct roots. बेटा अगली जो exercises आएंगी उसमें आपको बोला जाएगा solve the quadratic equation or find the roots of the equation, or they can ask you that find the zeros of quadratic equation. तो हमारे पास तीन question है, तीनों का मतलब सेम होता है. तीन क्वेश्चंस कौन से, तीन सम पूछ लिया उन्होंने. एक तो पूछ लिया फाइंड जीरोज ऑफ द इक्वेशन, एक तो बोल दिया जीरोज, दूसरा बोल दिया उन्होंने फाइंड द रूट्स, तीसरा बोल दिया सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो तीनों का मतलब एक ही है कि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब x की वैल्यूज़ फाइंड कैसे करनी है, उसके हमारे पास चार मेथड है कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं. पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसको हम दूसरी टर्म्स में बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट भी इसको हम बोलते हैं. राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी राइटिंग ऐसी ही है. ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज, पहला मेथड मिडल टर्म स्प्लिट करने, अगर हो रही है मिडल टर्म स्प्लिट, अगर आपको करनी आती है तो इजीली यू कैन डू इट. सेकंड मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स. एंड थर्ड मेथड होता है हमारा बाय द फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला. एंड फोर्थ मेथड होता है हमारे पास बाय द ग्राफ. ग्राफ को यूज़ करके हम जो है वो बना सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं. अगर पूछा गया फाइंड जीरोस, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का मतलब एक ही है. तो तीनों को सॉल्व करने के चार मेथड हैं, वो चारों मेथड आपको हेडिंग में मेंशन भी हो सकते हैं. फैक्ट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, और बाय फार्मूला, और बाय ग्राफिंग. तो ये चार मेथड होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि ये चार मेथड्स क्या होते हैं और हमने कैसे इन चार मेथड्स को यूज़ करना है. तो बेटा जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने किया है अभी तक. एक तो हमने डिफाइन इसकी पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. दूसरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी. स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो तीन तरह के हैं. कौन से अनइक्वल रूट्स, दैट इज डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड अनइक्वल, इक्वल एंड नॉन रियल रूट्स. तीन तरह के रूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डी की वैल्यूज जो हैं फॉर अनइक्वल रूट्स डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर नॉन रियल रूट्स डी इज इक्वल लेस देन जीरो. तो यहां पे लिख दूं फॉर अनइक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर नॉन रियल रूट्स. तो नेचर के बारे में पढ़ लिया और उनको सॉल्व कैसे करना है
कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं कि है या नहीं है। अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चार मेथड्स से हमने सॉल्व करना है, वो चार मेथड्स जो हैं कौन से हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं उन चार मेथड्स को। एंड टू नो मोर अबाउट द सिंपल ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू द मोस्ट सो डैट हमारे जितने भी बच्चे घरों में बैठे हुए हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।